अपने रेडियो पर गुरबचन सिंह सलारिया के अंतिम शब्द थे, मैं हमले के साथ आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा। गुरबचन सिंह सलारिया भारतीय थल सेना के सैनिक थे। उन्होंने 5 दिसंबर 1961 को 40 दुश्मनों को मार गिराया और खुद भी शहीद हुए। आइए जाने इस वीर सुपुत्र के बारे में। कांगो देश में हिंसक विरोधियों के बीच यूनाइटेड नेशन पीस फोर्स की तरफ से छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेकर कैप्टन अंदर घुसे। कैप्टन सलारिया के प्लेटून में सैनिकों की संख्या दुश्मनों की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन गोरखा कहाँ मानने वाले थे। सलारिया और उनके साथियों ने खुकरी के हमले से ही 40 दुश्मनों को मार डाला। ये देखकर बाकी दुश्मन भाग निकले, लेकिन इस दौरान फायरिंग से निकली 2 गोलियां सलारिया की गर्दन को चीर कर जा चुकी थी। विजय तो हासिल हो चुकी थी, लेकिन भारत माँ का एक लाल शहीद हो चुका था। गले में गोली लगने से कैप्टन सलारिया को शहादत मिली और यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना को जीत। कैप्टन सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसी और बहादुरी के किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें।